तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब लोग। गाइस 2 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था फाइनल सेमेस्टर का, तो अभी वो ख़त्म हो गया, रिजल्ट भी हो गया, तो अभी मैं रेगुलर रहूँगा यूट्यूब पे। तो जैसे आप लोग देख सकते हो मैं HD एक्सट्रीम पे खेल रहा हूँ और पोचिंग के पे उतरा हूँ जहाँ पे 8-9 स्कॉर उतरे थे, फिर भी मेरा 1% भी लैग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देखो और आप लोग को समझ में आ जाएगा क्यों लैग नहीं करता है मेरा। जैसे ही गाइस मुझे बहुत सारे लोग DM कर रहे थे कि कौन से सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए और कौन सा मैं यूज़ करता हूँ और जिसमें वाटरमार्क ना है वो सॉफ्टवेयर बताने के लिए, तो चलिए आप लोगों को मैं आज बता ही देता हूँ मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और कौन से सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। जैसे ही गाइस मेरे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो मैं यूज़ करता हूँ काइनमास्टर सबसे बेस्ट है गाइस, बहुत ईजी है यूज़ करना। उसके बाद इसके ऊपर ओपन करोगे तो जो न्यू प्रोजेक्ट होगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग इधर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक सेलेक्ट करके क्लिक कर देना। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, आप लोग 4K में वीडियो एडिट कर सकते हो। ऊपर जो सेटिंग का बॉटम है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इधर एडवांस सेटिंग है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इधर सेव वीडियो विद अप टू 60 FPS उसको इनेबल कर दीजिए। जैसे ही गाइस अभी देख सकते हो मैं अभी जो वीडियो एडिट कर रहा हूँ वो काइनमास्टर से एडिट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो मैं वही वीडियो एडिट कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इधर कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो, ऐसे वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आएगा, आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। उसके बाद आप लोग इधर नीचे साउंड को एडजस्टमेंट भी कर सकते हो और नीचे जो है फिल्टर भी आप लोग लगा सकते हो। जैसे बहुत सारे वीडियो होते हैं ना मोनेटाइज्ड वीडियो, उसमें फ़िल्टर लगा सकते हो और एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ब्राइटनेस बढ़ाया घटाया, सेचुरेशन घटाया बढ़ाया, ऐसे आप लोग कर सकते हो गाइस। ये जो काइनमास्टर है गाइस ये बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे ये देख सकते हो विंटेज, मैंने विंटेज किया बहुत अच्छा लुक्स आया था। उसके बाद आप लोग इधर वॉयस चेंज भी कर सकते हो आपका वॉयस का, बहुत इजी है गाइस। उसके बाद ये जो मैंने वॉयस ओवर किया है वो वॉयस ओवर कैसे करोगे आप लोग देखो, इधर मैंने वॉयस ऐड किया, देखो ये वॉयस आप लोग कैसे ऐड करोगे। इधर जो REC लिखा हुआ है उसके ऊपर टैप करने के बाद इधर स्टार्ट कीजिए, तो आप लोग कुछ भी वॉयस ओवर कीजिए आप लोग का वॉयस ओवर इजीली हो जाएगा गाइस। गाइस वॉइस ओवर करने के बाद आप लोग कैसे सॉन्ग को ऐड करोगे आप लोग देखो, इधर जो ऑडियो बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, नीचे सॉन्ग बटन और उसके बाद आप लोग कोई भी ऑडियो या फिर सॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिए और आप लोगों का इधर इजीली ऐड हो जाएगा सॉन्ग। उसके बाद आप लोग कोई भी स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इधर जो शॉप का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इधर से आप लोग कोई भी स्टिकर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये नीचे जो स्टिकर है मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, डाउनलोड करने के लिए मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया और मेरा डाउनलोड हो गया। मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाई देता हूँ, इधर लेयर पे गया, स्टिकर पे गया और ये देखिए आप लोग जो डाउनलोड किया था वो स्टिकर मैं इधर ऐड करूँगा, देख सकते हो आप लोग, ये साइकिल वाला बंदा का स्टिकर है, मैंने ऐड कर लिया इधर इजीली। गाइज वीडियो पूरा एडिट करने के बाद आप लोग उसको कैसे सेव करोगे, ऊपर जो एरो साइन का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो मैंने जो इनेबल किया था 4K के लिए 60 FPS इनेबल किया था, उसके इसके कारण इधर 4K का ऑप्शन आ गया और 60 FPS फ्रेम रेट भी आ गया। उसके बाद इधर बिट रेट जो है उसको पूरा फुल कर दीजिए, फुल करने के बाद सेव वीडियो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपके फोन की गैलरी में वीडियो इंपोर्ट हो जाएगा। और गाइज नेक्स्ट वीडियो मेरे जो वॉइस पैक बनाया था मैंने वॉइस के पैक के ऊपर आने वाला है, कैसे आप लोग एडिट करोगे, अगर वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रखिए और लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।